जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास एक कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है, एक सैम्पल कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, जिसका फाउंडेशन का लेआउट से लेके स्लैब का आरसीसी तक हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना के रखा है। तो हम लोग जो गैंट चार्ट या बार चार्ट जो अभी बनाएंगे, दैट इज बेस्ड ऑन दिस कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। यहाँ पे 14 एक्टिविटी है, जिसका ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट और फिनिश डेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऑटोमेटेड ऐसे करेंगे सो दैट ये इसके लिए एक जो बार चार्ट या गैंट चार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट साइड में ये स्टार्ट डेट और फिनिश डेट जहाँ पे दिया हुआ है उसका राइट साइड में हम यहाँ पे मैक्सिमम डेट जो है 6 मई तक का दिया हुआ है, और ये मिनिमम डेट स्टार्ट डेट है 1 अप्रैल। तो अप्रैल और मई 2 महीने का हम लोग यहाँ पे डेट डालेंगे। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं सो दैट पूरा टेक्स्ट आपका विजिबल हो एक ही विंडो में। अलाइनमेंट को चेंज कर देंगे, वेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा सो दैट पूरा विजिबल हो। इसको अभी हम वेट को छोटा कर सकते हैं। हम लोग का डेट जो है 6 मई तक का है, तो हम लोग 10 मई तक का यहाँ पे डेट डाल दिया। अभी ये पूरा को हम लोग कोशिश करेंगे एक विंडो में लाने के लिए सो दैट ये पूरा विजिबल हो। ये बन गया, थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइन डाल देते हैं। तो ये बन गया आपका गैंट चार्ट का एरिया। अभी क्या है, इसमें हमको सेल में फॉर्मूला डालना पड़ेगा सो दैट गैंट चार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इफ एंड एंड लॉजिक को। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे इफ और एंड लॉजिक। ये लॉजिक को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि दिस इज द की फॉर प्रिपेयरिंग दिस बार चार्ट। तो पहले हम इफ लॉजिक को लगाया, और यहाँ पे हम लोगों को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ये स्टार्ट डेट जो है, ये करेंट डेट जो ये रो के बराबर है, ये स्टार्ट डेट ये करेंट डेट से छोटा होना है या फिर इक्वल होना है, और ये फिनिश डेट जो है ये करेंट डेट से बड़ा होना है या फिर इक्वल होना है। तो ये दो कंडीशन को एक साथ में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एंड कंडीशन। ये स्टार्ट डेट छोटा होना है या फिर इक्वल होना है करेंट डेट से, और दूसरा है ये फिनिश डेट जो है, फिनिश डेट बड़ा होना है या फिर इक्वल होना है ये करेंट डेट से। और यहाँ पे रो और कॉलम को हम लोग लॉक कर देंगे सो दैट ड्रैग करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, इसलिए डबल इन्वर्टेड कमा ऐसे डाल दिया सो दैट अगर ये पूरा कंडीशन जो एंड वाला कंडीशन जो है ये अगर पूरा सेटिस्फाई हो जाता है तो यहाँ पे आएगा 1, या फिर ये ब्लैंक सेल रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कमा हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इंटर मार दिया, और अभी ये फॉर्मूला को हम ड्रैग करेंगे एकदम लास्ट तक, 10th में तक यहाँ पे डाल दिया, और इसको फिर ड्रैग करेंगे नीचे तक। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जो करेंट डेट के साथ ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है, वहां वहां पे उस सभी सेल में 1 आ गया। अभी इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सब सेल में अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ये बार चार्ट क्रिएट हो जाए। तो ये पूरा एरिया जहाँ पे हम लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालना है, ये हम पूरा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्लिक किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो ये हाईलाइट सेल रूल्स है, यहाँ पे जाएंगे और ये इक्वल टू वाला जो कंडीशन है इसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, देखिए फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू 1।
तो हम लोग यहाँ पे जो जो सेल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन को, वहां पे हमने वन डाला डाला है, तो ये यहाँ पे हम लोग डालेंगे कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू वन, इसका हम लोग फॉर्मेटिंग थोड़ा चेंज कर देंगे, ये फिल और फॉन्ट कलर दोनों को सेम ही रखना है। तो यहाँ से हम लोग चॉइस कर सकते हैं कि क्या टाइप का, क्या कलर का बार हमको चाहिए। तो अगर ये ब्लू कलर का बार चाहिए तो यहाँ से ब्लू कलर हम लोग सिलेक्ट कर लिया, और फिर ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर भी हम लोगों को वही सेम ही रखना है, सो दैट ये वन जो है वो ना दिखे। इसको ओके कर दिया, लीजिए आपका बार चार्ट तैयार है। अभी यहाँ पे मान लीजिए कोई एक डेट चेंज हो जाता है तो क्या होगा, ये शटरिंग का जो एक्टिविटी है इसका डेट हम लोगों ने रखा है 8 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। तो यहाँ पे 8 और 9 अप्रैल के नीचे आपका बार दिखा रहा है। अभी इसको हम लोग अगर यहाँ से चेंज करके 10 तारीख कर देते हैं, 10 अप्रैल कर देते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये बार आपका 10 अप्रैल के नीचे भी आ गया। ऐसे इसको हम लोग जो भी चेंज करेंगे, जो भी वैल्यू इसका चेंज करेंगे उसके ऊपर बेस करके ये बार चार्ट आपका ऑटोमेटिक क्रिएट होता जाएगा या मॉडिफाई होता जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसको और प्रोफेशनल लुकिंग दिखाने के लिए हम लोग ये पूरा एरिया में जाके यहाँ का जो बॉर्डर स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल में हम लोग यहाँ पे ग्रिड लाइन को ऑफ कर दे सकते हैं, ये थोड़ा और प्रोफेशनल लुकिंग लगेगा। तो ऐसा टाइप का फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, इसको एनहांस कर सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक वे टू क्रिएट अ बार चार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल डेट्स। आपका जो एक्सेल का प्रोग्राम है, एक्सेल का जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसके बेसिस में ये ऑटोमेटेड बार चार्ट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।